से हो गए होंगे उसके ना, वो सामने सिटी है हुंडा सिटी, वो सामने उनके पीछे खड़ी हुई है, वो भी दिखाते हैं आपको। हुंडा सिटी न्यू शेप वाली जो है वो लगी थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक शिनावर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक शिनावर व्लॉग्स। तो आज का प्रोग्राम ये है कि आज जा रहे हैं फ़िलहाल शादी पर, और शादी पर जा किस साइड पर रहे हैं, जा रहे हैं हम किस साइड पर, संबड़ेवाल एयरपोर्ट वाली साइड पर जा रहे हैं, ट्रेन से निकल गया था। तो फ़िलहाल जा रहे हैं अभी शादी पर। दोनों नहर होंगे ना सियालकोट में, आपको पता है दो ही नहरें हैं, तो उनसे उनसे आगे संबड़ेवाल जा रहे हैं, उस साइड पर, संबड़ेवाल नहीं उस साइड पर जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं और आपको मिलते हैं रास्ते में जाकर। तो अभी हम पहुंचे इधर पाकिस्तान चौक में, इस साइड से रास्ता है तकरीबन 40 से 45 मिनट का, वैसे दूसरे रास्ते इन्होंने खोदे हुए हैं। तो अभी चलते हैं इधर से और रास्ता दिखाते हैं आपको। तो ये है वो नहर जिसका आपको बता रहा था, ये फ़िलहाल इसमें पानी कम ही है, हो सकता है इन्होंने बंद की हो, वैसे तो इसमें पानी ज़्यादा ही होता है। तो दूसरी नहर तो बंद होती है 6 मंथ, और 6 मंथ चलती है, ये सारा साल ही चलती है, लेकिन फ़िलहाल इसमें भी पानी कम है, पता नहीं क्या वजह है। अभी इधर शादी से होकर निकले हैं वापसी को, वैसे आपको दिखाया नहीं, जो नहरों के आगे ना संबड़ेवाल वाली साइड पर आए हुए थे। तो अभी निकलते हैं वापसी। सर्दी वगैरह इधर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि मैं अपना पूरा बंदोबस्त करके आया था, फ़िलहाल तो बस यही है, ऊपर रोड ये पेंट वगैरह ही है, लेकिन ये है कि चादर वगैरह मैं साथ लेकर आया था, आपको पता है सर्दी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा, और इधर वैसे भी नहर निज़ाम है और नहरें वगैरह हैं, तो सर्दी इधर वैसे भी ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा है। और चादर गाड़ी में पड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है गाड़ी भी, इसके अंदर से निकाल दें चादर, और फिर ये पीछे पीछे रखी हुई है, वो सामने दोनों ही पड़ी हुई, तो सर्दी आपको पता है सर्दी लगनी वैसे भी नहीं चाहिए, और रात की लग ही गई है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं अभी निकल दिया फिर वो सामने मारियाल। तो अभी शादी से फ्री होकर इसी साइड पर ही एक दोस्त था, उनके पास आए हुए थे और आग लगाए हुए इधर बाहर, आग सेके हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी आग वगैरह लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ये लग गई है जी आग, और चेक करें पूरा इस टाइम फुल प्रोटोकॉल मोड में आग। तो अभी आग वगैरह सेक के थोड़ा टाइम, आग जो लगी हुई थी वो तो हो गई है फिलहाल एतम, और अभी निकलते हैं वापसी को, क्योंकि धुंध वगैरह भी काफ़ी पड़ गई है, तो वापसी निकलते हैं, इधर से जाते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाना है। और ये है दूसरी नहर जो आपको बता रहा था जाते हुए, वो तो नहीं बताया, लेकिन ये है कि अभी पानी तो दिखा नहीं जा सकता, तो धुंध आप चेक करें कितनी ज़्यादा हो गई है, घर पहुँच के ही होगा आपसे रब्ता फिर। और ये चेक करें सामने एक पिलर जो है ये आधा आधा तोड़ दिया हुआ किसी ने, किसी ने नहीं, ये गाड़ी लगी थी एक तो उसके साथ टूट गया है, वो गाड़ी भी आपको दिखाते हैं, दो तीन पीस हो गए हुए हैं उसके ना, वो सामने सिटी है हुंडा सिटी, वो सामने उनके पीछे खड़ी हुई है, वो भी दिखाते हैं आपको। हुंडा सिटी न्यू शेप वाली जो है वो लगी थी, और वो देखिए आप क्या हालत बनी हुई है गाड़ी की, इंजन लैदा और तीन चार पीस हो गए हैं गाड़ी के, वो सामने है हर चीज़ लैदा लैदा पड़ी हुई है। तो लगी मेरे ख्याल से ये कल रात को ही है किसी टाइम, क्योंकि वो पीछे स्पीड ब्रेकर भी है, और जैसे लगी है ना जैसे नज़र आ रही है इस तरह ही लग रहा है कहीं 150 से ऊपर ही होगी, और सामने एक फिर मारने लगा था किसी को, क्योंकि गाड़ी के दो तीन पीस हो गए हैं, तीन से भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गए, इंजन वगैरह और सीट्स वगैरह हर चीज़ लैदा लैदा ही पड़ी हुई हैं, बैग लैदा, ये कहीं 150 से ऊपर ही आ रही होगी, और उससे पहले ना एक स्पीड ब्रेकर भी है, और स्पीड ब्रेकर से ऊपर जंप लगा होगा और सीधी आके पिलर को लगी है, इस वजह से मेरे ख्याल से ये इसके इतने ज़्यादा पीस हो गए हैं, अदरवाइज लग नहीं रहा कि इतने ज़्यादा पीस हो जाएंगे गाड़ी के ऐसे ही कहीं लग के। तो पिलर भी आपने देखा है किस तरह पिलर के भी आधा आधा पिलर ही नीचे से गायब हो गया, तो
आपको बताने का मकसद ये है कि जो जो बंदा भी गाड़ी चलाता है स्लो चलाया करें, अगर रोड हाली है तो फिर भी स्लो चलानी चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ तो आ जाती हैं लेकिन बंदा तो दोबारा नहीं आता। तो इस वजह से ये है कि लेसन यही है कि आप स्लो चलाया करें गाड़ी, और हम भी स्लो चला रहे हैं, देखें 40 से ऊपर नहीं जा रहे, जिधर से हो गए हैं जाते हुए मैंने देखा, चलो मैंने सोचा वापसी में ना आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या हुआ है मसला और गाड़ी की आपने हालत देखी है। वैसे एमपी वाले खड़े हुए थे, नहीं तो आपको जाके उधर दिखाते। तो अभी इधर आए हुए ऑफिस कलोनी में, कोई काम था छोटा सा, इस वजह से वो करते हैं और फिर निकलते आगे। तो आप गुप्ता इधर कलोनी के ऑफिस में आए हुए थे क्योंकि फाइल्स वगैरह लेनी थी एक दोस्त के प्लाट की थी, तो वो लेना था, काफ़ी दिन हो गए थे इधर, टाइम नहीं था लग रहा, तो आज लगा तो मैंने सोचा कि चले इधर जाके पहले वो जो फाइल वगैरह वो कलेक्ट करते हैं और लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं फाइल। अभी इधर जो भी प्रोसीजर वगैरह था वो करवा लिया सारा, ये थंब वगैरह और साइन वगैरह जो भी करने थे कर दिए हैं, और कुछ रह रहा था थोड़ा सा काम वो करवाने गए हैं अभी नीचे से ना, तो वो भी करवा कराते हैं, तो फिर अभी निकल रहे हम भी, और आगे का प्रोटोकॉल जो भी है वो भी आपको दिखाते हैं। ये फाइल वगैरह लेनी थी किसी दोस्त की थी, तो उन्होंने बोला था मुझे ले लेना, तो अभी ये ले लिया, निकल रहे अभी वापसी घर को, और आगे जो है काम वो भी आप दिखाते हैं। बस यही काम था इधर थोड़ा सा, ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।